मॉर्निंग दोस्तों, ऑल द वेस्ट फ्रॉम मणिभाउद्दीन। आज तारीख है 29 जनवरी 2024 और मैं आपको लेकर आ गया हूँ मणिभाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर अपने वादे के मुताबिक, जो कि मैंने आप लोगों से किया था लास्ट वीडियो में कि आपको लेकर चलेंगे CRRC टैंक्शन की इकॉनमी क्लास कोच में, जो कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की आइडेंटिकल कोच है। तो वो हमारी मिलत एक्सप्रेस में आजकल अटैच हो रही है, कल गई है 17 अप के साथ और आज लाला मूसा से आएगी दोबारा से लाकर 18 डाउन के साथ। तो उसको कवर करेंगे और देखेंगे कि क्यों ग्रीन लाइन को छोड़कर एक दूसरे एक्सप्रेस ट्रेन में इसको लगाया जा रहा है, उसकी वजह को भी जानेंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मणिभाउद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहरी साइड पर, तो अभी चलते हैं अंदर प्लेटफॉर्म वाली साइड पर, क्योंकि 11 अप ज़ारा एक्सप्रेस का और हमारी 18 डाउन का क्रॉस रेंज है आज मंडी पर, क्योंकि 11 अप तकरीबन 5 से 6 मिनट लेट चल रही है, तो उसका क्रॉस फिर आज हमारे रेलवे स्टेशन पर ही हुआ है। तो टिकट वगैरह मैंने ले लिया, 250 रुपये का टिकट पड़ा है मुझे मणिभाउद्दीन से मलकवाल तक का। तो कॉस्टी तो है, क्योंकि अगर देखा जाए बाय रोड अगर हम जाएँ लोकल बस पे तो वो 180 टिकट है उनका, 180 फेयर है, और जबकि पाकिस्तान रेलवे पर अगर आप जाएँ तो वो है आलमोस्ट 250 रुपये। तो रेलवे से जाना ईजी है मलकवाल, क्योंकि शॉर्टकट है और शॉर्ट जर्नी होती है, आलमोस्ट 35 से 40 मिनट में आप लोग मणिभाउद्दीन से मलकवाल पहुंच जाते हैं। अगर यही आप बाय रोड जाएं तो रोड की कंडीशन भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है और आपको कम से कम 1 घंटा लाजमी लगता है। तो रेलवे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट ऑप्शन है मलकवाल जाने के लिए, तो आज उस पर भी बात करेंगे। अभी चलते हैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ और पहले क्रॉस कैप्चर करते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे मलकवाल। मेन जो रास्ता है रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए वो ये सामने आपको नज़र आ रहा है। तो आज ये कार्गो का जो रास्ता है वो ओपन है, तो यहाँ से चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। और ये रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक बहुत बड़ी मस्जिद मौजूद है और उसके सामने एक बड़ा सा आईना। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और क्रॉस को कैप्चर करते हैं। हो रहा है सुबह के 9:50 और सामने आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो पैसेंजर्स खड़े नज़र आ रहे हैं, ये हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस के पैसेंजर्स। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज लिया जाएगा हमारी 11 अप ज़ारा एक्सप्रेस को, क्योंकि वो पहले पहुँच जाएगी आई थिंक सो मिलत एक्सप्रेस से, तो उसको पहले कवर करते हैं। और आज एक यूनिक एक्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जो लूप लाइन है वो आपकी लूप लाइन है, तो वहाँ पर अक्सर डाउन ट्रेंस को नहीं लिया जाता, बट आज हमारी 18 डाउन वहाँ पर लगेगी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आज हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं रेलवे स्टेशन के आगाज़ में जा रहा हूँ 11 अप ज़ारा एक्सप्रेस का अराइवल कैप्चर करने के लिए। रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही है, तो पहले इसे कैप्चर करते हैं, फिर चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी 18 डाउन के लिए। आज मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं ट्रैक्स एंड साउंड से हसन भाई, तो वो खड़े हैं स्टेशन के लास्ट में, तो उनसे भी जाकर भी बात करते हैं, पहले 11 अप ज़ारा एक्सप्रेस का अराइवल कैप्चर कर लेते हैं। आलमोस्ट राइट टाइम चल रही है आज हमारी 11 अप ज़ारा एक्सप्रेस, 3 से 4 मिनट के करीब डिले में है, जो कि इतना मायने नहीं रखता। 8302 आज इसकी लीड पे है। आगाज़ के कोचेज मामूल की तरह निहायत गंदे, क्योंकि ये लाला मूसा शहर के कोचेज हैं और ये लाला मूसा पर वाश ना होने के बराबर होते हैं, जबकि जो पिछली साइड के कोचेज हैं उन पर सिर्फ धूल मिट्टी लगी हुई है, बट वो इतने गंदे नहीं हैं। तो 11 अप पर पहुँच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, अभी थोड़ी देर में पहुँचेगी हमारी 3 डाउन मिलत एक्सप्रेस, तो उसके बाद इसको लाइन क्लियरेंस मिलेगी और ये रवाना होगी आगे हवेलिया के लिए। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। डिस्टर्ब ब्रिज से होता हुआ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गया हूँ और अभी कुछ वक्त है हमारी 18 डाउन के यहाँ पर अराइवल में, तो चलते हैं लास्ट में स्टेशन के, क्योंकि CRRC टैंक्शन कोच 18 नंबर है और वो वहीं पर आएगा, तो आज इसमें आपको जर्नी भी करके दिखाएंगे। पतझड़ का मौसम है और पत्ते हैं दरख्तों से उतर रहे हैं, और ट्रैक्स एंड साउंड्स वाले हसन भाई अभी तक हमारे नहीं पहुँचे, पेडिस्ट्रियन से आ रहे हैं, तो उनका भी वेट करते हैं।
तो दोस्तों वक्त हो रहा है सुबह के 9:55 और अभी अभी हमारी टिंडौर मेलाता एक्सप्रेस निकल गया चेलियांवाला रेलवे स्टेशन से और 9:50 पर ये हमारी पहुंच चुकी थी 11 हज़ार एक्सप्रेस अर्ली पहुंची है आज ये मैंडभौदर रेलवे स्टेशन पर। तो देख सकते हैं आप लोग कि कराची से निकली हुई ट्रेन्स भी यहाँ पर अर्ली पहुँच सकती हैं। तो आज 11 हज़ार एक्सप्रेस आलमोस्ट 5 से 6 मिनट के करीब अर्ली आई है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। रात जब ये खानेवाल से निकली थी तो आलमोस्ट 15 मिनट के करीब डिले में थी और अभी वो डिले अर्ली में चेंज हो चुका है। लेकिन अर्ली यहाँ पर डिले में चेंज हो जाएगा क्योंकि क्रॉस रेंजड है टीन डाउन के साथ और वो 2 से 3 मिनट के करीब डिले में चल रही है। तो दोस्तों हमारे हसन भाई आ चुके हैं ट्रैक्स एंड साउंड से, बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया आज सफ़र करने के लिए क्योंकि वेरी बिजी पर्सन हो चुके हैं भाई। रेल फैनिंग को बिल्कुल इन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। क्या करें, जॉब स्टार्ट किया तो इतना तो चलता है। हाँ ये है, अभी मिलत पहुँच चुकी है मंडी बहाउद्दीन और चेलियांवाला के दरमियान में और 55 की स्पीड पे आ रही है, ऑलमोस्ट स्लो ही है। 11 आप यहाँ पे जितना अर्ली आई थी उतना ही लेट हो, डिले में आ जाएगी बाकी ऐसे ही है। तो अभी देखते हैं कि कब तक यहाँ पर पहुँचेगी हमारी 18 डाउन और आज एक यूनिक डिपार्चर यहाँ से कैप्चर करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, क्योंकि अक्सर 11 आपको यहाँ पर लिया जाता है और 18 डाउन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरती है, तो ये एक यूनिक ही एक्शन होगा आज हमारे लिए भी। तो दोस्तों वक्त हो रहा है सुबह के 10:10 और हमारी 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस पहुँच रही है PH 28312 की लीड के साथ और सामने ही आपको एक नन्हा रेल फैन नज़र आ रहा है जो कि मंडभौदीन सिटी से ही बिलोंग करता है। तो बहुत बड़ा रेल फैन है, इतनी हमें भी नहीं नॉलेज जितनी इसे नॉलेज है। तो इसके साथ अच्छी गपशप रही और पीछे से हमारी 18 डाउन भी पहुंच चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ आ रही है। सॉरी 8312 नहीं 8321 आज इसकी लीड पर है। 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2। आ रहा है आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी 18 डाउन को देखकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम, मैं तो ये कहूँगा बल्कि ना होने के बराबर कोई डाउन ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। तो ये आ रहा है हमारा सेकंड लास्ट कोच है आज ग्रीन लाइन की लाइब्रेरी वाला CRR की जंक्शन। तो इसी में ही आज हम अपना जर्नी करेंगे टिल मलकवाल। अल्लाह का नाम लेकर बैठते ट्रेन में, ऑलमोस्ट एम्प्टी पर है कुछ, तो अभी थोड़ी देर में इसका रिव्यू भी करेंगे। पहले यहाँ से हम लोग कर लेते हैं डिपार्चर को कैप्चर, लाइट्स ऑफ हैं तो पहले लाइट्स को ऑन करते हैं। पावर वैन ये अटैच नहीं है भाई। तो दोस्तों हमारी ट्रेन का फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया, जबकि जो 11 हज़ार एक्सप्रेस है उससे ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो गए वेट करते करते। हाँ जी, तो सारे पैसेंजर्स ही देखे, इनकी बुकिंग नहीं है 18 नंबर कोच में, मैं कंफर्म कह सकता हूँ। ये भी हमारी तरह के ही होंगे और ये सवार हो चुके हैं ट्रेन में। तो मूव होना स्टार्ट कर दिया हमारी 18 डाउन ने मंडभौदीन रेलवे स्टेशन से। अभी निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ
तो सवार होने वालों से ज़्यादा क्वांटिटी अपने प्यारों को छोड़ने वालों की थी। और अगेन से ब्रेक सप्लाई होगी दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से भी सोचा कि डिपार्चर कैप्चर करते हैं। ऑलमोस्ट राइट टाइम निकली है, 10:15 पर मेडिपोल रेलवे स्टेशन से। तो एक नए सफ़र का आगाज़ कर दिया मैंने बहुत दिन से मलकवाल तक। यही कहते हैं जर्नी अच्छा ही जाएगा। और अभी आपने मेलोडियस विसल सुना, ठीक है, 2011 आप ज़ारा एक्सप्रेस के साथ। तो लूप लाइन से मेन लाइन पर डाइवर्ट होते हुए हमारी 18 गलत एक्सप्रेस और 11 अब भी निकल रही है रेलवे स्टेशन से। तो नहीं कहूँगा लेकिन बादल हो रहे हैं, रात को भी बड़ी बहुत दिन में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। और ये ट्रैक मेंटेनेंस ट्रॉली गैंगमैन काम कर रही है और ब्रेक सप्लाई हुई है लोकोमोटिव की। और वाजीवा CRR से टेंशन की ब्रेक स्पेशलिटी आज हमने महसूस कर ली है कि जिस हिसाब से ब्रेक सप्लाई हुई है। पकड़ लिया हमारे PSA 28321 ने और सफ़र का आगाज कर चुके हैं हम लोग। अभी चलते हैं अपनी सीट पर और बाकी के सफ़र को अपनी सीट पर बैठ कर कैप्चर करते हैं। आगाज कर चुके हैं हम लोग, तो कंडीशन दिखा दूं मैं आप लोगों को कोच की, कि मिट्टी देखें आप लोग किस तरह जमी हुई है, क्योंकि ये कपड़े का स्टफ है तो ये ऐसे इस पर जमेगी मिट्टी। बाय द वे जो फ्लोर है ट्रेन का वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। और ये नंबरिंग हुई है सीट्स की 9 से लेकर 10 तक। सॉकेट्स वगैरह सारे काम कर रहे हैं बट अभी पावर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अटैच नहीं है, जिसके वजह से अभी कोई भी चीज़ फंक्शनल नहीं है। तो ये 6 बर्थ लोगों का कैबिन है जिसमें 3 बर्थ्स होती हैं और ये इसकी गैलरी यानी कि कॉरिडोर है। और एक स्मूथ से सफ़र का हम लोग आगाज कर चुके हैं मलकवाल के लिए। ये मेरी सीट है आज 69 नंबर। सफर जा रही है हमारा मलकवाल के लिए।
देखकर एक नई नई लहर सी दौड़ उठती है। अभी कुछ देर में हरिया रेलवे स्टेशन आने वाला है कि जिस पर हमारी 135 ऑफ नाम है सर मौजूद है। हरिया रेलवे स्टेशन पर क्रॉसिंग ट्रेन है 18,435। ही इस क्रॉस को कैप्चर करते हैं। हमारी 135 मौजूद है प्लेटफॉर्म पर और हमारी 18 डाउन को लिया जा रहा है लूप लाइन पर। यूजुअल क्रॉस है ये मलकवाल, हरिया और ये मंडी बहाउद्दीन, इन तीनों रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर क्रॉसेज अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि ये तीनों इस वक्त के बिजी तरीन रेलवे स्टेशन होते हैं। इस राजधानी की तीनों ट्रेन इन्हीं तीन स्टेशन पर क्रॉस करने पड़ते हैं, एक दूसरे को मुलाकात होती है इन ट्रेन की। तो लूप लाइन पर लग चुके हैं हम लोग, जबकि हमारी 135 अप आउटर पर मौजूद है, उसके लिए अभी तक सिग्नल डाउन नहीं हुआ, जो मेन लाइन का होम सिग्नल है। तो 10:30 पर हम लोग पहुंच रहे हैं हरिया रेलवे स्टेशन पर और 135 अप के लिए होम सिग्नल डाउन हो चुका है। ये हरिया रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही एक खूबसूरत सी मस्जिद भी मौजूद है। ब्रेक सप्लाई हो गई है भाई हमारी 18 डाउन के लिए और 135 अप अभी एडवांस होम सिग्नल के पास से गुजर रही है। हरिया रेलवे स्टेशन के बोर्ड को उसके पास से जाकर कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों हमारी 18 डाउन आकर रुक चुकी है हरिया रेलवे स्टेशन पर, वे होने लगा है 135 अप के लिए। तो जैसे ही 135 अप मेन लाइन पर आकर रुकेगी और TLC टोकन एक्सचेंज होगा ड्राइवर्स के साथ और ट्रेन निकलेगी आगे मलकवाल के लिए। तो ये है आज की हमारी CRRC टेंशन 18 नंबर कोच है
और जो इसका नंबर है 14008। ग्रीन लाइन की लाइब्रेरी वाली कोच है, जो कि इसी वजह से हमारे लिए एक अलग स्पेशलिटी रखती है। इकोनॉमी क्लास का ये कोच है। तो 135 अभी GMCU के साथ पहुंच चुकी है और उसकी चगिंग की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। अमेरिकन लोकोमोटिव्स की एक ये बात है कि इनकी चगिंग की आवाज़ दूर से ही सुनाई दे देती है। GMCU जो है ये कनेडियन वर्जियन है GMU का। तो अभी चलते हैं वापस अपनी ट्रेन की तरफ, क्योंकि अभी हमारी 18 डाउन भी यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों टोकन एक्सचेंज होने का वेट हो रहा है और जैसे ही टोकन एक्सचेंज होगा तो देन हमारी निकलेगी 18 डाउन यहाँ से 4909 के साथ। 135 अब आकर खड़ी हो गई है। और हमारी 18 डाउन से पहले निकल रही है 135 अब, क्योंकि हमारे ड्राइवर ने पहले ही PLC टोकन एक्सचेंज कर दिया था। अब जो 135 अब से टोकन लिया गया है वो दिया जाएगा 18 डाउन के ड्राइवर्स को, तो देन फिर हमें यहाँ से जाने का परवाना मिलेगा। 135 अब में भी एक दफ़ा सफ़र करने वाला हो रहा है, क्योंकि इसके जो कोचेस की हालत है अभी आपने एक स्पेशल सा मिसल सुना है GMC 15 का। हालतेदार बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इनको कवर करेंगे किसी दिन। और हमारी 18 डाउन ने भी मूव होना स्टार्ट कर दिया। BH 28307 बैंकर पावर बनकर चल रहे आज हमारी 135 अप की, और हमारी ट्रेन भी मूव हो रही है दरिया से। कुछ ही मिनट और कुछ ही किलोमीटर का सफ़र रह गया हमारा आगे मलकवाल के लिए। बहुत अच्छा रेल का। हाँ अच्छा, सोच लेते हैं किस दिन यहाँ पर भी आने का। हरिया रेलवे स्टेशन 62.75 किलोमीटर पर मौजूद है मार्कर पर, और 1929 में इस रेलवे स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया गया। और अभी हसन भाई बात कर रहे थे कि ये रेल फैन के लिए स्पॉट अच्छा है, तो आएंगे किस दिन हरिया को भी कवर करने के लिए। ये एक दरख्त को काट कर ठिकाने लगा दिए, ऐसी चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। लाइन से डाइवर्ट हो रही है मेन लाइन पर। दोनों वर्किंग में थे। हाँ दोनों वर्किंग में थे, क्या रीजन हो? किसी मालगाड़ी के साथ आया हो। हरिया रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया हमारी 18 डाउन ने। नेक्स्ट स्टॉप होगा मलकवाल जंक्शन, और हरिया पर हमारी 18 डाउन का फाइनल स्टॉप नहीं है।
जस्ट ऑपरेशनल रीजंस की वजह से इसने यहाँ पर स्टॉप किया था। क्रॉस कराया गया है 18 टाउन पर 135 आपका। तो चलते हैं वापस अपनी सीट्स की तरफ। रफ पर नज़र डाल ली जाए तो सबसे पहले ट्रेन में दाखिल होते ही पहले दरवाजे को बंद कर देते हैं क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये बैतुल खुला है टॉयलेट और ये ईस्टर्न टाइप होगा क्योंकि ये निशान बना हुआ सामने और गैस सच सही है, सफाई सुथराई की गई है बट जो इसका फ्लश है वो काम नहीं कर रहा, मैंने अभी देखा है। तो इसके अलावा जो ये वाली साइड में टॉयलेट होगा ये वेस्टर्न टाइप होगा जैसे कि बाहर के स्थान पर आएगा और ये भी अच्छी कंडीशन में मौजूद नहीं है। रोटा वगैरह पड़े बाहर हाल और पानी देख लेते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल पानी भी आ रहा है यार। तो कैसा लगा सीआरआरसी टैंकर में सफर करके? बहुत मजे का है, मैंने फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल किया था 2013-2023 में। ओके, जब मैं इनॉग्रेशन हुई थी बाहर का ट्रैवल मिली था सही, उसके बाद मुझे मौका मिला आज पूरा मिला। आज तो हमारे सेक्शन पर ही आ गए ना ये तो तभी तो मैं भी आया हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने ट्रैवल नहीं किया था, मुझे एक अच्छा मौका था। तकरीबन 2 से 3 माह हो गया मैंने ट्रैवल नहीं किया था, आज मौसम भी काफ़ी क्लियर है, बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह भी मेरा प्लान है कि आगे सॉरी
और अक्सर ही जो मलकवाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी नंबरिंग में मुझसे मिस्टेक हो जाती है। आई थिंक सो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मलकवाल जंक्शन का सियोरीज यार्ड और 5 फरवरी तक कभी कोई भी खेड़ा स्पेशल या बेड़ी की स्पेशल ट्रेन नहीं है, इस वजह से यार्ड आज थोड़ा सुंदर लग रहा है। जंक्शन ईस्ट कैबिन तो छोटे से सफर का हमारे का इख्तिताम भी होता है मलकवाल जंक्शन पर ही। 10:10 पर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और 10:50 पर हम लोग पहुँचे हैं मलकवाल जंक्शन। ट्रैवल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो ये कि ये जो टॉयलेट है ये वेस्टर्न और जो ये वाला है जो कि हमारे वाला है ये है ईस्टर्न। तो अभी यहाँ पर ही हम अपनी ट्रेन को छोड़ेंगे। अभी चलते हैं आगे लोकोमोटिव की तरफ और हमारी 18 डाउन का डिपार्चर कैप्चर करते हैं। दोस्तों मलकवाल जंक्शन पर पहुंचकर हम लोगों ने अपनी जर्नी को एंड कर दिया और अभी कोच की कंडीशन आप लोगों ने देखी, एक दफ़ा दोबारा से अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ कि जो वॉशरूम्स हैं वो तो आपने देख लिए हैं। बाय द वे जो ये नीचे डस्ट और ये मूंगफली के आपको छिलके नज़र आ रहे हैं ये हमारी आवाम की करतूत है। तो रेलवे ने तो हमें ये साफ़ सुथरा कोच प्रोवाइड किया बट इसको नीट एंड क्लीन रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखेंगे आपकी किस कदर डस्ट यहाँ पर मौजूद है और ये डस्ट जब जाहिर सी बात है इकॉनमी क्लास का कोच है और इसकी जो विंडोज़ हैं वो क्लोज नहीं होती तो जिसकी वजह से जब ट्रेन स्पीड पकड़ती है अपनी तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट उड़ती है और वो जो सीट्स होती हैं उनके ऊपर जम जाती है क्योंकि लेदराइट नहीं है ये सीट्स, कपड़े की हैं तो जाहिर सी बात है वो इन पर जमेगी ही। अभी हमारा यहाँ पर आते आते बहुत बुरा हाल हो गया तो कोच का क्या ही होगा। दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मलकवाल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है लेकिन बट आज मैं करेक्ट था, हमारी 18 डाउन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही लिया गया। मेन प्लेटफॉर्म है ये मलकवाल जंक्शन का और इसके अलावा इस वाली साइड पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी मौजूद है। अभी वाटरिंग शाटरिंग होगी, कोचिस की मैंटेनेंस को चेक वगैरह किया जाएगा और दैन CNW स्टॉप इसे क्लियर कर कर आगे के लिए निकालेगा। अभी मैं जा रहा हूँ लोकोमोटिव की तरफ। तो ये मलकवाल की मशहूर सौगात पकौड़े, इनको भी खाते हैं। पहले 18 डाउन का डिपार्चर कैप्चर कर लें। लोकोमोटिव तक पहुंचने में इतनी देर लगा दी कि जो सिग्नल है वो डाउन हो चुका है हमारी 18 डाउन के लिए और अभी फर्स्ट डिपार्चर विसल होगा थोड़ी देर में या हो गया क्योंकि अभी एक छोटा सा विसल तो बजाया है लोको पायलट साहब ने। तो मेलोडियस और स्वीट चेकिंग आप लोग सुन रहे हो आल्को लोकोमोटिव PH820 की। सामने खड़ी है हमारी PDK शटल जो कि शाम को तकरीबन 3 बजे निकलेगी पिंड दादन खान के लिए और फिर वापस आकर यहाँ पर ही खड़ी हो जाएगी। इसको भी कैप्चर करते हैं। तो हमारी ट्रेन और रेडी खड़ी है मलकवाल से निकलने के लिए। तो अभी आप लोगों ने फर्स्ट डिपार्चर विसल सुन लिया भाई 18 डाउन का। मैं आगे जा रहा हूँ एक अच्छा शॉट कैप्चर करने के लिए
प्लेटफॉर्म के लास्ट में, और चलते चलते ये हमारी पीडी का शटल भी नज़र आ गई, तो सोचा इस पर भी एक नज़र डालते चलते हैं। सबसे पहले ब्रेक वैन मौजूद है और ये ने सेकंड डिपार्चर विसल भी हो गया और ट्रेनें निकलना स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले ये ब्रेक वैन मौजूद है जिसकी कंडीशन जब इसमें सफ़र करेंगे तभी देखेंगे। इसके अलावा ये ग्रिल्ड वैन है जिसको ताला लगा कर बंद किया गया है, और उसके आगे एक और खस्ता हाल कोच मौजूद है कि जिसको रंग रोगन कर कर इन तीनों कोचों को दोबारा से लगा दिया गया है पीडी के शटल के साथ। इसका जो नया रेक आया था वो मुझे नहीं पता रेलवे ने कहाँ कर दिया, जैसे ग्रीन लाइन के कोचेस को उठा के दूसरी ट्रेन में लगा दिया वैसे ही इनके कोचेस को भी उठा के दूसरी किसी ट्रेन में लगा दिया होगा। तो दोस्तों भागता भागता मैं पहुँच ही गया मलकवाल जंक्शन के लास्ट में, और हमारी गेटिंग डाउन भी निकल रही है, दोबारा से ब्रेक सप्लाई हुई हुई है, कोई पैसेंजर मिस हो गया होगा, और ये ने अगेन से विसल हुआ और अभी थोड़ी देर में निकलेगी यहाँ से। ये सामने से जो आपको रोड आता नज़र आ रहा है ये रेलवे स्टेशन की पार्किंग से होता हुआ आगे मेन रेलवे रोड से जाके कनेक्ट हो जाता है। तो हमारी 18 डाउन भी निकल रही है, लोकोमोटिव की लाइट्स बंद की हुई है ड्राइवर साहब ने 8321 की। तो अभी लास्ट रिव्यू देने का भी टाइम आ गया है। तो थ्रू आउट बहुत ही अच्छा जर्नी रहा CRRC टेंशन में। कोचेस की कंडीशन को एक तरफ रख देते हैं क्योंकि डस्ट तो उड़ती है, तो जाहिर सी बात है सीट्स पर डस्ट भी जमा होगी। जब तक इन सीट्स को लेदर राइड नहीं किया जाएगा तो ये एक लॉजिकल बात है। इसके अलावा जो सीट्स की स्टेबलाइजेशन है यानी कि कोचेस की जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ब्रेकिंग सिस्टम को मैंने खुद महसूस किया जब मैंने बहुत रेलवे स्टेशन पर भी एमरजेंसी ब्रेक सप्लाई की और हरिया रेलवे स्टेशन पर भी। तो अगर तो मैं इन कोचेस को मार्क्स देना चाहूँगा तो 10 out of 8 मार्क्स मैं दूँगा इनमें जर्नी करने को। एक अच्छा सरमाया है हमारी पाकिस्तान रेलवे का जो कि न्यूली अभी चाइना से इंपोर्ट किया गया है, और 8321 की लीड के साथ मिलत एक्सप्रेस आगे बढ़ गई है कराची कैंट के लिए। फैसला बात है कि इसे लीड करेगा 8321, देन फिर आगे AGR 30 मोस्ट प्रोबेबली इसे लेकर जाएगा आगे कराची तक। ये रहा हमारा आज का 14008 CRRC टेंशन इकोनॉमी क्लास। और क्या ये खूबसूरत कर्व लिया है हमारी 18 डाउन ने यहाँ से, तो भी इस वाले पॉइंट पर चलते हैं क्योंकि यहाँ से ये कर्व और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। क्या बात है, सांप की तरह बल खाती हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस। मलकवाल जंक्शन का ये मशहूर कर्व है, और इस टाइम हमारी 18 डाउन मशहूर ज़माना डायमंड क्रॉसिंग से गुजर चुकी है मलकवाल जंक्शन की। आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि जल्द से जल्द आ जाएं और 18 डाउन में सफ़र करें या 17 अब में, ताकि आप लोग सस्ते में ग्रीन लाइन के मज़े ले सकें। कोई काम ना भी हो फिर भी रिक्रिएशन के लिए इंसान को बाहर निकलना चाहिए, और न जाने ये कब तक कोच लगा रहेगा हमारी 18 डाउन में। तो मैंने तो इस अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द अवेल किया और हमने आज इसमें जर्नी किया छोटा सा ही सही मलकवाल मंडी बहुत दिन से मलकवाल तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये हमारी जर्नी पसंद आई होगी। CRRC टेंशन इकोनॉमी क्लास स्पेशल जर्नी था, इसको कवर करना था हमने क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जब ये रेक यहाँ पर पहुँचता था तो 3-4 दफ़ा ये हमारे 18 डाउन और 17 अप के साथ नज़र आया है, तो सोचा कि इसमें जल्द से जल्द जर्नी किया जाए। तो आज हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और मेरे साथ सफ़र किया ट्रैक्स एंड साउंड से हसन भाई ने। तो बहुत ही अच्छा जर्नी रहा ये हमारा थ्रू आउट, नीट एंड क्लीन, और डस्ट हमारे सेक्शन पर आम है।
तो उसने तो उठना ही है, और वो सीट्स पर भी जमा होगी, हमारे बूथों पर जमा हो गई है तो सीट्स पर कैसे नहीं जमा होगी। तो ये एक लॉजिकल बात है, ये तो होगा। लेकिन बाय द वे हमें रेलवे ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल की है, हमें इसे जितना हो सके संभाल कर रखना चाहिए ताकि ये यूं ही इन नियर फ्यूचर चलती रहे। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आवाम की है कि इसको कैसे लेकर चलते हैं, नॉट ऑन दिस सेक्शन बट ऑन द मेन लाइन वन, क्योंकि मेन लाइन वन पर ग्रीन लाइन थ्रू आउट इन कोचेस के साथ चलती है। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को शो करवानी चाहिए, ML1 के मुसाफिरों को। मेरा अपने सेक्शन की आवाम से बड़ा ही आजिज़ाना मुतालबा है कि इसको आप साफ़ सुथरा रखें। कल 79 के साथ जब मैं आया था, इंतहाई गंदा ये कोच था, आया तो नहीं था सॉरी, मंडी बहुद्दीन से मैंने देखा था कि इसमें कोच ला कर आया या नहीं आया, क्योंकि आज के लिए हमने जर्नी करना था। तो अगेन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको काइंडली साफ़ सुथरा रखें, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। रेलवे ने तो आपको ये कोच देनी थी, वो दे दी, अब ये कब तक है ये किसको भी नहीं पता। तो जब तक ये रहेगी तो आप लोग काइंडली इसको साफ़ सुथरा रखें। स्क्रैच रेक्स होते हैं, क्योंकि जब ट्रेन लेट हो जाती हैं तो जो स्क्रैच रेक होता है किसी ट्रेन को, उसमें से कोचेज़ निकाल कर दूसरी ट्रेन को दी जाती हैं। ऐसे ही हमारी मिलत एक्सप्रेस को भी ग्रीन लाइन के स्क्रैच रेक में से कोई कोच निकाल कर दिया गया है। तो जब तक ये लगा हुआ है, प्लीज़ काइंडली आप लोग इसे अवेल करें, इस फैसिलिटी को, और अपने सरमाया को बचा कर रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।